नमस्ते, मैं सरिता पटवा। मैं आज फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई अतिथि के साथ, मॉडल, एक एक्टर और एक डांसर जिनका नाम है संगीता सिंह। आइए आज मैं उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। नमस्कार, मैं संगीता सिंह फ्रॉम दिल्ली। मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट, मॉडल और डांसर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सरिता जी। जैसा कि मुझे आज सरिता जी ने अपने यहाँ बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनके साथ ही काम करना चाहती हूँ। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप एक बहुत अच्छी मॉडल और एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। तो आप बताएं कि अभी तक आपने अपने जीवन में जो फिल्म क्षेत्र में किस तरह से आपने एंट्री किया, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ऐसा है सरिता जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा। मैं बार बार गिरती रही, उठती रही, फिर गिरती रही, फिर उठती रही, क्योंकि कोई बैक नहीं थी और मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी। मेरा सपोर्ट सिर्फ मेरे घर से था और वो भी मेरी बड़ी दीदी का, मेरे पापा का। लेकिन पापा का भी सहारा टूट गया था एक हद तक। उसके बाद फिर मेरे पापा जब खत्म हो गए थे, दुनिया में नहीं रहे, तो फिर मेरा सहारा मेरी बड़ी दीदी बनी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं घर देखती हूँ और तुम बाहर निकलो बेफिक्र होकर। तो बड़े अजीब अजीब से मेरे साथ कोइंसिडेंट हुए, तो बड़ा झेलना पड़ा, काफी लोगों को झेलना पड़ा और काफी कुछ बाहर निकल कर एक लड़की को, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना कुछ झेलना पड़ता। हर तरीके की बातें, उनकी निगाहें, गंदी निगाहें, गंदी बातें, गंदी उनकी वर्ड, सब कुछ झेलना होता है। तो उसको मैंने बड़े तरीके से किया, बड़े तरीके से झेला है मैंने। कभी मायूस भी हुई तो कुछ दिन बैठ गई घर पे, फिर दोबारा चली उठकर, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। तो मैं क्यों टूटू, मैं किस लिए, क्यों मैं हाँ हिम्मत हारू और मैं क्यों ऐसा सोचू कि मैं कामयाब नहीं हो सकती। नहीं चाहिए, हाँ, सही जी, तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया इसमें। सही है। और ऊपर वाला हमेशा हमारा साथ देता है। जब हम बिल्कुल नेक नियत से चलते हैं, सीधे एकदम चलते हैं, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं फिर टूटी, फिर चली, फिर टूटी, फिर चली। इस बीच काफी, मतलब मेरे संघर्ष तो रहा ही, मेरी मतलब मेरी फिजिकल पे भी काफी फर्क पड़ा। कभी मेरी तबीयत खराब, कभी फीवर, और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। उसके बावजूद मैं फिर खड़ी होकर चलने लगी। तो इस पीरियड में भी आपने काम अपना स्ट्रगल चालू ही रखा? जी हाँ, मैं हॉस्पिटल में, मतलब हड्डी मेरी बिल्कुल टूट गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा खड़ी हुई तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, आप अब डांस नहीं करोगे और आप कुछ भी नहीं, चल भी नहीं सकते, ज्यादा हील भी नहीं पहन सकते। लेकिन मैंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगी। मैंने सब कुछ किया, मैंने डांस भी किया और मैं चलती भी हूँ, दौड़ती भी हूँ, मैं शूज भी, हील भी पहनती हूँ। सिर्फ उसका करम है, मेरे गुरुजी का करम है। और मतलब जो मैंने चाहा तो वो मैंने किया, क्योंकि मैं एक स्ट्रांग थी बिल्कुल दिमाग से कि मुझे वो तो आपकी बातों से ही पता चल गया कि आप बहुत स्ट्रांग भी है और होना भी चाहिए। एक लेडीज को स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। जी बिल्कुल, अगर फील्ड में निकलना है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना चाहिए कि हम लोगों को झेलना है। तो इस क्षेत्र में आपको सपोर्ट, मतलब किस किस ने दिया कि आप खुद ही स्ट्रगल करके यहाँ तक बढ़ी? मुझे सपोर्ट देखो बाहर के लोग देते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी गलत है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं संगीता तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा बहुत अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा है, तुम्हारा लुक बहुत अच्छा है और तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। तो मुझे सपोर्ट किया। अभी मैं अभी हाल ही में मिली हूँ जो मंडी हाउस में, जो अभी डायरेक्टर की पद पर आए हैं मिस्टर खन्ना। तो खन्ना सर ने मुझे जब मीटिंग हुई मेरी, तो उन्होंने भी यही बोला कि आपका संगीता लुक बहुत ज्यादा अच्छा है और आपके चेहरे पे नूर है और आप आगे बढ़ सकती हो, मुझे आपके अंदर एक आग दिख रही है, टैलेंट दिख रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बंदे ने मुझे सपोर्ट किया और इतनी हिम्मत दी कि जो खुद मंडी हाउस में लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं और इतने बड़े उनके जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे अच्छे बड़ी उस पे पहुंच चुके हैं, इस वक्त मुंबई में काम कर रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट में काफी लोग हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे कमेंट की तो मुझे बड़ी हिम्मत और हौसला मिला। तो आपको, जैसे मैंने सुना है कि फिल्म क्षेत्र में लड़कियों को यूज करके आगे बढ़ाते हैं, तो आपको भी कभी ऐसा ऑफर आया कि नहीं आया, अथवा मतलब इसके बारे में कुछ मेरे को जानकारी दे? जी हाँ, ऐसा बहुत बार मेरे सामने आया और मैं बड़ी मायूस हो गई थी उस वक्त। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में आई हूँ उस फील्ड में क्या ऐसा होता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था।
तो बड़ा अजीब लगा मुझे, तो मैंने सोचा मैं इसको कैसे फेस करूंगी, आगे कैसे बढ़ पाऊंगी अगर यही सब रहा लड़कियों के लिए, इतना गंदा फील्ड है, बड़ा नफरत सी हुई। तो मैं कुछ दिन चुप बैठ गई थी घर में, मैंने सोचा मैं क्या करूं, बड़ा लोगों से पूछा, मतलब इसी फील्ड के लोगों से, सबने बोला कि मैडम ये तो होता ही है इस फील्ड में, देखो ये लड़कियों के लिए गंदा है, ये बदनाम है, और इस फील्ड में आओगे तो ये जरूरी है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैडम आप अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, या अपनी ब्यूटी से, किसी भी चीज से आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब तकरीबन 50 या 60% ही सुनने को मिला कि हाँ भाई, तो ये ऐसा नहीं है। फिर मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, मैं रुक गई, बैठ गई, फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, बीच में मैंने ये लाइन छोड़ दी। लेकिन एक कीड़ा होता है ना, वो दिमाग में फिर उठता है, तो मैंने जो इस लाइन में चला जाता है तो उसको बार बार उसी में ही जाने का मन करता है। जी, ये कुछ ऐसा हिसाब है, या ये कह लीजिए गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने आर्टिस्ट को अलग ही बनाया। तो मैंने बहुत कोशिश की मैं ये लाइन छोड़ दूं, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं था इस फील्ड में, सबने अपना घर घर पे है, शादी की, आराम से रहते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या, शुरू से ही मुझे शौक है इस लाइन का, और मैं इसके लायक भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर दिमाग को प्रिपेयर किया, फिर मैं चली दोबारा, मुझे अब की बार मैंने पूरा स्ट्रांग करके, दिमाग को टाइट करके, कि मैं अपने टैलेंट में निकलूंगी। और अच्छे लोग भी होते हैं इस फील्ड में, क्योंकि इस दुनिया में सब तरीके के लोग हैं, अच्छे बुरे, तो वो अच्छे शायद इस फील्ड में मिले मुझे। तो इसमें आपने स्टार्टिंग, जैसे आपका फर्स्ट ऑफर किस चीज के लिए आया, तो आपने अपना इस करियर को शुरुआत किया? जी, मुझे फर्स्ट जो आया था वो मैंने मॉडलिंग से किया था, मेरी बड़ी दीदी ने मुझे निकाला था, क्योंकि वो फील्ड में थी, वो स्टेज प्ले वगैरह करती थी, तो मैं उनके साथ निकलती गई, बड़ी दीदी और मेरे पापा, तो मुझे कोई डर नहीं था, वो संग रहते थे, मैं जाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे मॉडलिंग शुरू की, तो मुझे मॉडलिंग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने मॉडलिंग की तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हुआ, तो उन्होंने, उन्हें लगा कि मैं शायद एक मॉडल हूँ तो मैं गलत होगी। अभी तो आप शॉर्ट मूवी में भी काम कर रही है ना? जी जी, मैं शॉर्ट मूवीज ज्यादातर अभी, क्योंकि वेब सीरीज ही चल रही है, लॉकडाउन के बाद तो भी एकदम काम नहीं शुरू हो रहा, तो अभी मैं वेब सीरीज ही कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में आप बड़े पर्दे पर आने का विचार रखा है या? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी स्ट्रांग मैं हो चुकी हूँ, मैंने अपने अंदर इतना टैलेंट जगा लिया है, और इतना लड़ने के बाद, लोगों से झेलने के बाद मैं पीछे क्यों हटूंगी? अब तो मैं वैसे भी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, उनसे लड़ लड़के, उनको जवाब देकर, और उनको कितने लोगों को मैंने बोला हुआ है कि भाई तुम भी यही हो, मैं भी बैठी हुई हूँ, मैं आपको निकल के दिखाऊंगी बिना कंपरों के, अपने दम पर, अपने टैलेंट पर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नहीं है, लोग उसको बिल्कुल भूल के बैठे हुए हैं, ये सोचते ही नहीं कि ऊपर वाला है। नहीं, आपके टैलेंट को देख के मुझे भी बहुत खुशी लगा कि आप एक लेडीज होकर के इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची आपने। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक लड़की, और जिसके जीवन में कोई भी साथ देने वाला नहीं हो, तो वो किस तरह से स्ट्रगल करती है। तो इस पे मुझे आप पे बहुत गर्व हुआ। तो नेक्स्ट टाइम में अगर आप, मतलब फिर क्या करना चाहेंगी, इस क्षेत्र से में ही रहना चाहेंगी या कोई और? मैं सरिता जी, मैं यही चाहूंगी कि मैं इस क्षेत्र में जहां तक पहुंचना चाहती हूं, मैं वहां तक पहुंच के ही दम लूंगी, और उसके बाद जो मैं, मतलब जितना मेरे पास अर्निंग होगी तो मैं उससे अच्छे काम करूंगी, एनिमल्स के लिए, जो बेचारे बेकार परेशान होते हैं सड़क स्ट्रीट, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, जो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ लड़कियां बेसहारा होती हैं उनके लिए। और बहुत सा मैं ये भी चाहती हूँ कि अब मुझे ऊपर वाला इतना ऊपर पहुंचा है कि मैं उन लड़कियों को इस फील्ड में काम दे सकूं बाइज्जत, उनके साथ कोई कंप्रो नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, और मैं अपना एक ऐसा खोलना चाहती हूँ वर्क, पूरा टीम वर्क, और मैं चाहती हूँ मैं उसमें एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं काम करूंगी, और उसमें लड़कियों को चांस दूंगी, और यही कहूंगी कि यहाँ तुमसे ना कोई कंप्रो होगा, ना कोई बदतमीजी होगी, तुम आराम से यहाँ काम कर सकती हो। ताकि अच्छा जी, हम भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो जी, और हर एक काम में आपका सफलता मिलते जाए। और आपका सबसे अच्छा पल, इतने मतलब लॉन्ग जीवन में आपका जी, अच्छा पल आपका कौन सा रहा जिसमें बहुत खुशी मिली हो, इस टाइप का कोई पल? जी, मुझे सरिता जी सबसे अच्छा पल वो लगता था जब मेरे घर में मेरे पूरी फैमिली मेरे साथ होती थी, मेरा भाई, मेरी बहनें,
और मेरी माँ, मेरे पापा, मुझे उस वक्त बिल्कुल मैं बेफिक्र होके जीती थी, बहुत अच्छा लगता था जीने में, मैं डांसिंग करती थी, खेलती थी, बिल्कुल मस्त रहती थी। तो मुझे अपनी पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लगाव था, खास करके मुझे अपनी माँ से ज्यादा लगाव था। तो जब तक मैं अपनी माँ के साथ रही बहुत खुश रही, और वही पल मैं आज तक याद करती हूँ अपनी माँ के साथ के। बाकी मुझे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो मुझे बहुत अच्छा लगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, और बहुत अच्छा लगा आपके आपसे, मतलब हर एक लेडीज होकर के आपने इतना संघर्ष करके, और एक अच्छी मॉडल, और आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जी मैं सरिता जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां इस फील्ड में निकल रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, प्लीज एक तो मायूस ना हो, और किसी भी टॉर्चर में आके कुछ गलत कदम ना उठाएं। कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है, प्लीज आप उसको ना माने, आप अपने दम पर, अपने विश्वास पर अटी रहें। क्योंकि आप घर से निकलती हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको बड़ा विश्वास होता है हमारी लड़की घर से कुछ करने निकली है। तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका विश्वास ना तोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप गलत करेंगी तो ही आप आगे बढ़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ही झेला है ये सब, तो मैंने तो ठान लिया था मैं गलत करूंगी ही नहीं, अगर गलत होगा, बिल्कुल 100% होगा, तो मैं ये लाइन छोड़ दूंगी। लेकिन बार बार मैं लड़ती रही, मैंने ऊपर वाले का साथ लिया, तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और आज मैं बोल सकती हूँ कि आप भी ऐसा ना करें, कभी भी कोई लड़की ऐसा ना करे कि जैसे कि कोई कहता है आपसे कि हमारे साथ कंप्रो करो तो आगे बढ़ोगे, तो बिल्कुल मत करो कंप्रो प्लीज। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ब्यूटी है, एक आप इस समाज की नारी हो, जो एक नारी पूरे घर को चलाती है। क्या आप अपने टैलेंट के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रख सकती हो इतना? तो प्लीज ऐसे लोगों को शेयर ना दें और ऐसे काम ना करें, अपने टैलेंट पे, अपने दम पे आगे बढ़ें। और मैं तो यही कहूंगी कि बहुत जरूरी नहीं है कि ये ही क्षेत्र चुना जाए, आप हर क्षेत्र में नाम कर सकती हो। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा गलत है और आप बिल्कुल भी लड़ नहीं पा रही हो, आप बेकार हो गई हो, मायूस हो गई हो, दिमाग पे प्लीज ना लें, अगर ऐसा है तो आप प्लीज दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को शेयर ना दें जो आपसे कंप्रो के लिए कहें या बहुत ज्यादा गंदे सीन के लिए बोलें। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से और लड़कियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सभी गर्ल्स से यही कहना चाहूंगी जो भी इस फील्ड में आ रही हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये फील्ड गंदा है या इस फील्ड में लोग गंदे हैं, क्योंकि मैं भी हूँ इस फील्ड में और मैं भी लड़के ही आगे बढ़ी हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं, जिनके साथ इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, आप बिलीव करना बिल्कुल मेरी फैमिली जैसे हैं, मैं भी उनसे पहली बार मिली हूँ। तो आप इस चीज को बिल्कुल ना माने और पीछे ना हटे। तो ये फील्ड गलत लोगों के लिए गलत है, सही लोगों के लिए सही है, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे, इस फील्ड में अच्छे भी लोग हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। जैसे मुझे मिले आप, मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद जो मुझे गलत लगा मैं छोड़ती चली गई। आप छोड़ दीजिए उस जगह को, मत कीजिए वहां काम जबरदस्ती। आप 4 रुपए के लालच में प्लीज अपनी इज्जत मत खराब कीजिए। तो उसके लिए आप आगे बढ़े, जो अच्छे लोग हैं उनसे मिले, क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग हैं तो अच्छे भी हैं, मुझे अब अच्छे मिल रहे हैं तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा जो बड़े, जो आप आगे बढ़ेंगी और बड़े काम करेंगी, वहां ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि आप कमरों करें, वो सिर्फ आपके टैलेंट को देखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी और टैलेंट का यूज करें, ना कि अपने शरीर का। तो आपको मैं खुद बता देती हूँ कि आप एक जगह गलत है तो वहां तक मत सीमित रहिए, उससे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, उन गंदे लोगों को छोड़ दीजिए। आप अच्छे लोगों से जरूर मिलेंगी, क्योंकि ऊपर वाला एक बार मौका देता है और वो अच्छे लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, जैसे मुझे कर रहे हैं आप लोग। मुझसे हर कोई ये कहता है, संगीत जी आप बहुत अच्छी हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं अपने टैलेंट पे, कोई जरूरत नहीं गलत लोगों की बातों में आने की या कंप्रो करने की। तो मैं सभी लड़कियों से यही कहूंगी कि अच्छे लोगों से मिले, आप खुद फैसला करें कि कौन गलत है और कौन सही, आप कर सकती हैं। तो आप जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप आगे बढ़ें, उनका साथ दें। आपको 4 पैसे कम मिल रहे हैं, आप वहां काम कर सकती हो, लेकिन आगे बढ़ सकती हो धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं बढ़ रही हूँ। तो आप सभी से यही गुजारिश है, प्लीज सही और गलत को पहचानना सीखें। ओके दर्शकबिन, अब मैं इजाजत चाहूंगी, मैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अतिथि के साथ फिर उपस्थित होंगी। और आप लोग से एक निवेदन है कि हमारा ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं किसी नए अतिथि के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हाथ उठा लो। नमस्ते।